नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अधिकारी धूप सेकते रहे, जरूरी फाइल मुंह में दबाकर फरार हुई चोर बकरी, फिर जो भागे, वीडियो वायरल। कानपुर में एक अजब गजब फाइल चोर बकरी सामने आई, जहां अधिकारी धूप सेकते रहे और बकरी चौबेपुर विकास खंड कार्यालय में घुस गई और एक जरूरी फाइल को मुंह में दबाकर वहां से भागने लगी। कर्मचारी बकरी को पकड़ने के लिए पीछे भागम भाग करते रहे, लेकिन बकरी ने सभी को पूरे परिसर में दौड़ा दिया। कानपुर, अभी तक आपने केवल इंसान को ही फाइल चुराते देखा होगा, लेकिन कानपुर में एक अजब गजब घटना देखने को मिली, जहां एक बकरी फाइल चोर निकली। दरअसल कानपुर के चौबेपुर विकास खंड कार्यालय में कर्मचारियों की मौजूदगी में ही बकरी ऑफिस में घुस गई और एक जरूरी फाइल को मुंह में दबाकर वहां से भागने लगी। बकरी के मुंह में फाइल देख कर्मचारी भी सचेत हो गए और फाइल लेने के लिए बकरी के पीछे भागने लगे, लेकिन बकरी कहां किसी के हाथ लगने वाली थी। बकरी ने मुंह में फाइल लिए ऑफिस के कर्मचारियों को पूरे परिसर में अपने पीछे पीछे दौड़ा दिया। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस समय बकरी कार्यालय में घुसी, उस समय कर्मचारी और अधिकारी धूप सेक रहे थे। कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ही बकरी ऑफिस के अंदर चली गई और वहां से फाइल मुंह में भर कर ले आई। बकरी को देख कर्मचारियों ने ब्लॉक का मेन गेट बंद किया और बकरी से फाइल लेने के लिए उसके पीछे भागम भाग करने लगे। करीब एक घंटे की भागम भाग के बाद फाइल बकरी के मुंह से बचाई गई। कहा जा रहा है कि इस भागम भाग में फाइल के कई पन्ने भी फट गए। इस घटना की एक वीडियो भी बना ली गई, जिसमें कर्मचारी बकरी के पीछे पीछे भागता हुआ नजर आता है। बकरी और ऑफिस कर्मचारियों की इस भागम भाग की वीडियो को दर्शक जमकर ठहाके लगाकर देख रहे हैं और दोस्तों व परिजनों को शेयर भी कर रहे हैं। ब्लॉक के एडीओ पंचायत विनोद कुमार दीक्षित ने बताया कि सचिव शिव प्रताप के कमरे से बकरी फाइल ले गई थी। जब उनसे पूछा गया कि बकरी किस ग्राम सभा की कौन सी फाइल ले गई, तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुंह में फाइल दबाकर भागती बकरी और उसके पीछे पीछे भागते कर्मचारी का ये वीडियो देखने लायक है। हालांकि ये घटना के बाद ऑफिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।